नमस्कार, मैं गौतम आपका स्वागत करता हूं कशिश न्यूज में। तेज प्रताप यादव आज से जनशक्ति यात्रा पर निकले हैं और आज वो बिहार के जो कहा जा सकता है इस यात्रा में निकलने का पहला जो कार्यक्रम शुरुआत हुआ है वो पटना जिला के बिहटा प्रखंड के मखदुमपुर से शुरुआत हुई है और यहाँ मखदुमपुर गाँव में पहुँचे हुए तेज प्रताप यादव इस यात्रा के दौरान। और हम आपको तस्वीरें साझा करते हैं कि किस तरह से उन लोगों से मुलाकात करेंगे। अपने घर से निकलने के बाद जो है तेज प्रताप यादव जनशक्ति यात्रा जो है उसकी शुरुआत की है और तेज प्रताप यादव जी जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, लोगों से मिलेंगे। ये यात्रा जो रहेगी तेज प्रताप यादव की बहुत ही सामान्य तरीके का होगा। तेज प्रताप यादव यहाँ देखिए बैठे हुए हैं लोगों के बीच, खाना जहाँ बन रहा है वहाँ पर, और इस परिवार के सदस्यों के साथ लालू प्रसाद यादव की जो है एक तस्वीर जो है तेज प्रताप यादव के साथ दिख रही है यहाँ पर। इसी तरह से लालू प्रसाद यादव भी जो है पहले लोगों के बीच जाते थे और बहुत ही सामान्य तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से जो है तेज प्रताप यादव उसी तरीके से जो है लालू प्रसाद यादव के जैसे जो है वो बैठ कर जान रहे। एक परिवार है मखदुमपुर का भी परिवार है, बिहटा ब्लॉक सुरेश मांझी जी के घर पे आए हुए। मैं आपको बाहर से पहले तस्वीर दिखा देता हूँ कि जो तेज प्रताप यादव का ये जो यात्रा है जनशक्ति यात्रा उन्होंने नाम दिया, और पूरा ये जो बस्ती के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। एक छोटा सा घर है और इस घर के लोगों से मुलाकात करूँ कि रसोई में गए हुए हैं तेज प्रताप यादव जी, और इसी रसोई में जो है वो बैठकर उस परिवार के तमाम लोगों के साथ बात कर रहे हैं। सरकार के जो भी योजनाओं को लेकर जो है इस यात्रा में जो है वो लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है, किस तरह से जो है इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हालांकि जिस घर में तेज प्रताप यादव बैठे हुए यहाँ पर गैस के चूल्हे पर नहीं, अभी भी जो है लकड़ी के चूल्हे पर खाना बन रहा है, और उज्ज्वला योजना हो या तमाम विषय जो है जो केंद्र सरकार की तरफ से संचालित है उन विषयों के लेकर वो जानकारी ले रहे हैं। ये देखिए ये घर है परिवार, तेज प्रताप यादव जी देखिए बैठे हैं, सुन रहे हैं, खाना जो है वो पक रहा है, आटा साना हुआ वो रखा हुआ है। तेज प्रताप यादव जो बातें कर रहे हैं योजनाओं को लेकर जो है वो बात कर रहे हैं। बहुत ही सामान्य तरीके से, बहुत ही सामान्य तरीके से इसे कहा जाएगा, बहुत ऐसी तस्वीरें नेताओं से नहीं थी। और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और इस तरह से अगर वो जनता के बीच में आएंगे तो एक अलग जो है लोगों में खुशी हो जाती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अभी नहीं हैं, अभी अस्वस्थ भी हैं, जेल भी जो है उन्हें जाने कारण वो लोगों से दूर हो गए थे। तो मगर लोग देखने के लिए तेज प्रताप यादव को है यहाँ पे। हालांकि इस यात्रा का पहला दिन है और पहला कार्यक्रम ही है जो यहाँ पर तेज प्रताप यादव जी पहुँचे हुए सोशल मीडिया के माध्यम से। लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपनी राय भी दे रहे हैं तेज प्रताप यादव के विधानसभा क्षेत्र को लेकर, कुछ लोगों ने कहा है अभिषेक कुमार ने। मगर बिहार भर का दौरा है तेज प्रताप यादव जी का, और जिंदगी भर लेंगे छोड़ देंगे देखते रहे। तस्वीर तेज प्रताप यादव अभी बात कर रहे हैं, लोग जब यहाँ पे पहुंचे हैं तो तेज प्रताप जी
कर लेना बाबू लोग को कर लेना, हम कर ले, तुम भी करेगा। जगह नहीं मिल पाता है, मीडिया में दिक्कत है, जगह बनाना पड़ेगा बाबू। बाहर में आप ये बताएं कि इसका क्या उद्देश्य है? सबके लिए चूल्हा क्या क्या आंकड़ा करते हैं सर? आपको क्या राशन कार्ड का बात करते हैं या कितना कमी आप महसूस करते हैं? देखिए पूरे तरीके से कमी ही कमी है। आपको रोजगार है? कोई रोजगार नहीं ना जी, ना सरकार ने कोई रोजगार दिया ना कुछ नहीं, हमको खाली खेती में कमाते हैं खाते हैं, खेती से ही लोग। तो जैसा कि ये बता रहे हैं खेती है, और यहाँ जो भाजपा सरकार बोली थी कि 19 लाख रोजगार देगी, कहाँ गई 19 लाख रोजगार? तो इनका ये साफ करना है कि जो घोषणाएं हुई थी घोषणाएं धरातल पर नहीं दिख रही है, ये दलित बस्ती है। और मैं चाहूंगा एक बार वो उस तरह के वो चूल्हा को दिखाए जहाँ बिल्कुल मिट्टी का चूल्हा है, मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जा रहा है, खाना बनाने का काम हो रहा है, और यहाँ पहुँचे हैं गरीबों के बीच जानने और उनका दर्द बांटने के लिए। ज्ञान शंकर, दैनिक भास्कर, पटना। तेज प्रताप जी, आप फेसबुक से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और आपको देख रहे हैं सर, आप पहुँचे हैं आज, आज से यात्रा शुरू हुई है आपकी? आज जनशक्ति यात्रा हम लोगों ने आज यहाँ से शुरुआत किया है, बीटा में यहाँ शिवाला यहाँ से और शुभारम्भ कर दिया जनशक्ति यात्रा। शिक्षा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, इसको लेकर के हम लोगों ने छेड़ने का काम किया। और मजदूर दिवस है, और मजदूर दिवस पे पूरे बिहार को और बिहार में जितने भी मजदूर भाई हैं और पूरे देश में जहाँ जहाँ मजदूर भाई हैं, तमाम लोगों को मैं मजदूर दिवस पे ढेर सारा शुभकामनाएं और आगे बढ़ने का मैं आप लोगों के साथ हूँ। तेज प्रताप जी, तमाम लोग निकलते हैं, हेलीकॉप्टर में निकलते हैं, ऐसी गाड़ियों में निकलते हैं, आप निकले हैं, अब बैठ गए हैं सीधा किचन में जहाँ रसोई बन रही है और वैसे घर में जहाँ पर बहुत लोग नहीं के बराबर आते हैं। सर, जमीनी स्तर को पूरी तरह से नहीं के बराबर नहीं, आना ही चाहिए लोग को, नहीं का शब्द हटा दीजिए, आना चाहिए यहाँ लोग को, सबको आना चाहिए, सबको एक समान एक भाव से लोगों को देखना चाहिए और किस हाल में है हमारे मजदूर भाई लोग उनको देखना चाहिए, बातें तो बहुत करना चाहिए, बात बहुत करता है कागज पे और चेहरा पे मास्क लगा के फोटो खींचा के पोस्टर पे लगाता है सब, लेकिन धरातल पे इन लोगों का काम नहीं हो पाता है। बात तो किए थे 19 लाख रोजगार का, तब जनता मांग रही कि 19 लाख रोजगार कहाँ है, रोजगार तो मिला नहीं, लोग मजबूर हैं, कुछ भी नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। एनडीए की सरकार कल एक इथेनॉल प्लांट, एनडीए की सरकार फेल है, खाली गुमराह करता है जनता को, गरीब गुरबा को ठगता है, झूठा मुकदमा इन लोगों पर करके जेल भेज देता है। मांझी जी ने भी एक बात कही कि अधिक कोई चीज का उपयोग, मांझी जी किए तो मांझी जी को आना ना चाहिए यहाँ, मांझी जी आए हैं? मांझी जी कहाँ आए? जीतन जी आए हैं, जीतन जी भी नहीं आए हैं, देखिए खुद मांझी जी यहाँ, जीतन जी नहीं आए हैं यहाँ, जीतन आना चाहिए, आना चाहिए ना, आना चाहिए, गरीब भाई को देखना चाहिए कि किस हाल में घर में बैठना चाहिए, हालचाल पूछना चाहिए। अभी देख रहे उज्ज्वला योजना की बहुत बात हुई थी तेजस्वी जी, मगर जो योजना है सब योजना फेल है, यहाँ पे घर में उसी चूल्हे पे खाना बन रहा है जो पहले से परंपरा, टोटल योजना इनका फेल है। यात्रा जो अब होगी तेज प्रताप जी, कब तक यात्रा का आज से शुरुआत हो गया, मजदूर दिवस के दिन से, आज के दिन से इसका असर सर विधानसभा तक, सब जगह, पूरे विधानसभा में, पूरे जिला में, हर एक विधानसभा में। तेज प्रताप यादव जी थे जो इन्होंने बातों को कहा, लोग सुन रहे हैं और जो है तेज प्रताप यादव जी देख रहे हैं और जो लोग हैं, कुछ लोगों से भी हम बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ पे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा ये घर है एक परिवार का और यहाँ से तेज प्रताप यादव जो है आज अपनी यात्रा शुरुआत करी। उन्होंने बहुत ऐसी बारीक बातों को रखा कि भले ही लोग बात करते हो कि हम बड़े पुत्र आरजेडी के बहुत तरह के काम कर, मगर असलियत क्या है ये जाने जाते हैं। आज मजदूर दिवस है और तेज प्रताप यादव राजनीति में एक नई लकीर खींचना चाहते हैं, एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और वो भी दलित बस्ती से। चूल्हा वही है, धुआं भरा हुआ है घर में और
बहुत बातें होती कि धुएं के साथ खाना नहीं बनाना है, फेफड़े की बीमारी होगी, इस परिवार को उज्ज्वला योजना का फायदा मिला या नहीं, इस पर भी हम जान लेंगे। एक मिनट रुकिएगा अम्मा, इधर इधर एक मिनट, आप ही बोल रहे हैं, ये आप ही का घर है, आप ही का घर है, नाती के हवा। हाँ। आप ही घर में खाना उना चूल्हा लकड़ी के चूल्हा पे ही बनता है। हाँ। तेज प्रताप जी आए हुए हैं। हाँ। तो मुलाकात हुआ। हाँ। बैठे हुए थे, क्या कुछ पूछा उन्होंने, क्या जानकारी? हमने कहा कहीं लकड़ी से पकड़ ली भैया, कब चीज करी। सरकार तो गैस चूल्हा दे रही थी, सिलेंडर दे रही थी, नावे नहीं हमने के लड़ाई करब। मतलब सरकार तो दे रही है, हर लोग जो इस चीज के क्षेत्र में आते हैं, आप लोग को भी मिलना चाहिए, तो नहीं मिला। नहीं मिला तो लकड़ी के चूल्हे पे ही खाना बनता है। जी एक मिनट, आपसे भी छोड़ देते हैं। तेज प्रताप यादव जी यहाँ पे पहुँचे थे, आपसे काफी देर तक बात हुई, क्या कुछ उनके लिए खाना आपने बनाया था? खाना में भिंडी का भुंजिया है, रोटी है। चाय बना रहे हैं। चाय बना रहे हैं जी। अच्छा लगा आपके यहाँ तेज प्रताप यादव जी पहुँच गए? बोले माझी जी भी नहीं आए। जी हाजी नहीं, कभी नहीं आए हैं। हाँ। जी कभी नहीं आए हैं। इस गांव में नहीं आए हैं? हाँ, गांव में। आपके समाज के कितने लोग इस गांव में रहते हैं? हम लोग 45 घर हैं। 45 घर जी। अच्छा, एक चीज तेज प्रताप जी ने बोला कि योजना का लाभ नहीं मिलता, सरकार लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए काम कर रही है, बातें कर रही है, आप बताइए आपका क्या कहना है? तो कहना तो हम लोग कमा रहे हैं, तो हम लोग का मजदूरी कम जो कमाते हैं हमको मिलना चाहिए। रोजगारी योजना में कम आए इंद्र आवास वाला में, तो उसे पैन उराही में आधा पैसा मिला, आधा पैसा नहीं है मिला। कौन नहीं दिया आधा पैसा? जो हाँ पुरैनिया के लोग मुंशी रहते थे, तो सब। अच्छा, इसको कोई देखने उखने वाला नहीं। अच्छा ये बताइए, आपके घर में ये जो खाना बनता है, धुआं तो पूरा चारों तरफ हुआ है? अभी तो धुआं हो गया सर। हाँ, तो ऐसे ही धुआं होता है, मतलब रोज खाना बनता है तो? ना डेली ना, अभी तो मेज गया था। खाना लकड़ी के चूल्हे पे ही बनता है जी? गैस का चूल्हा? गैस चूल्हा नहीं मिला। उज्ज्वला योजना कुछ गैस नहीं? सिलेंडर नहीं जी, नहीं कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला आप लोगों को? तो ये राशन कार्ड, राशन कार्ड है, आधार कार्ड भी है, मैंने सब कार्ड मेरे पास है। हाँ। बाकी हम लोग का मिला नहीं, 3-4 मरतबे कार्ड भर चुके हैं, आवेदन किया था। हाँ। बाकी हम लोग का मेला, राशन कार्ड बना हुआ है जी, मगर ये गैस चूल्हा नहीं मिला। नहीं मिला है। तेज प्रताप यादव आए हुए, लगता है कि कुछ आप लोग के लिए आवाज बनकर उठेंगे और आवाज ऊपर तक जाएगी कुछ आप लोगों को? ठीक है सर। मतलब फायदा लगता है कि तेज प्रताप यादव? फायदा है ना, तो जीतेंगे तो हम देवे करेंगे, हम लोग का साथ रहेंगे आप? साथ रहेंगे। चलिए, तेज प्रताप यादव जो है इस समाज के परिवार के लोग के बीच में आए हुए थे, और जो धुआं था उसी धुएं के बीच तेज प्रताप यादव अभी तक रुके हुए हैं, और ये अभी भी देखिए देख रहे हैं। पिताजी तो इसी तरीके से सब जगह गली में बस्ती में कहीं भी गाड़ी रोक करके अपना चले गए। पिताजी के बातों को, हर बारीक बातों को तेज प्रताप यादव को याद है। वो कह रहे हैं कि पिताजी कैसे गरीबों के बीच रहते थे, और यही करते रहा उन्होंने, कोई ऐसा काम नहीं किया जो जिस चीज को लेकर जनता उन्हें नापसंद करे, सिर्फ उन्होंने ऐसे ही काम किया जनता इस। लेकिन 19 लाख सरकार में, सत्ता में, केंद्र में शासन कर रहे हैं, लेकिन 19 लाख रोजगार इनको नहीं मिला। ये मजबूर हैं इस पे खाना बनाने के लिए, ये मजबूर हैं धूप में काम करने के लिए। तो हम ये आज मजदूर दिवस के अवसर पे हम ये मांग करते हैं सरकार से कि इन लोगों को रोजगार दे, 19 लाख रोजगार। और देखिए चाय तैयार हो गई है, चाय दे दीजिए तेज प्रताप यादव। चाय दीजिए, चाय तैयार हो गई है, तेज प्रताप जो है वो चाय भी पी रहे हैं। तो बस्तियों में आना, लोगों से मिलना, एक नई यात्रा की शुरुआत, एक नई राजनीति की शुरुआत, सबको चाय पिला भी रहे हैं, बहुत पी भी रहे हैं। और उमूमन इस तरह की जो राजनीति है में कम देखने को मिलती है, लेकिन तेज प्रताप चाय पी रहे हैं, परिवार के लोग जो है आदर कर रहे हैं, और नया कफ जो है उनके लिए निकाला, नया गिलास में जो है वो तेज प्रताप यादव को चाय पिला रहे हैं। वही निकाल दे तेज प्रताप के नक्शे कदम पर। तेज प्रताप, और देखिए कैसा स्वाद है चाय का, बढ़िया स्वाद होता है, मेहनत का स्वाद बढ़िया होता है। अब तो पीने दीजिए, तेज प्रताप चाय का अभी चुस्की ले नहीं पाए थे, अब लिया चुस्की। अब बताइए, अब स्वाद ठीक है? एक नंबर चाय, एक नंबर चाय।
बिल्कुल चलिए, देखिए एक आप लोग ले हम लोग ले लेते हैं। एक नंबर की देखिए राजनीति यही होती है कि आप जब लोगों के बीच में आते हैं, गरीबों के बीच में आते हैं, उनका दुख साझा करते हैं, किस तरह के ये चाय का जो है वो स्वाद ले रहे हैं तेज प्रताप यादव जी। और ये चाय जो है चूल्हे की आग की बनी हुई चाय है, चूल्हे की बनी हुई चाय की आग है। और तेज प्रताप यादव को देखने के लिए पूरे गांव के लोग जो हैं यहां पे जुटे हुए हैं। बाहर का भी हम नज़ारा दिखाते हैं, चाय पी रहे हैं। चाय के बाद जो है कह रहे हैं कि इस चाय में जो है प्रेम का स्वाद है। और इसी तरह का यात्रा जो है वो पूरे बिहार भर में करेंगे, पूरे बिहार भर में जो है लोगों के बीच जाएंगे, हर गांव में जाकर जो है वो तेज प्रताप यादव जी लोगों के बीच सरकारी योजनाओं का जानकारी लेंगे। पूरे गांव के लोग जो है इस जगह पर पहुंचे हुए हैं तेज प्रताप यादव को देखने के लिए जुटे हुए हैं। पूरा गांव जो है अभी यहां पर पहुंच गया है क्योंकि तेज प्रताप यादव पहुंचे हुए। और तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि सरकार के तमाम योजनाओं से लेकर उन तमाम विकास के विषयों को जो है वो जानकारी लेंगे इस यात्रा में। जनशक्ति यात्रा जो है उन्होंने इस यात्रा का नाम रखा है। और एक तारीख से यानी एक मजदूर दिवस के दिन से जो है यात्रा जो शुरू हुई है, ये 19 लाख रोजगार देने की मांग जो है इस यात्रा के माध्यम से की है, जो सरकार ने जो है जनता को चुनावी वादों के समय कहा था। उन्होंने कहा कि 19 लाख रोजगार के विषय पर जो है उनका फोकस रहेगा और सरकार जो है इस विषय को लेकर गंभीरता नहीं लेती है। तो जनता के बीच तो अभी जा ही रहे हैं, जनता को एकजुट कर वो सदन में भी इस विषय को लेकर सरकार को घेरेंगे।